जैक्स को जब उसके पिता ने अचानक बुलाया तो वो काफी एक्साइटेड हो गया उसके बुलाए जाने का कारण जानने के लिए। अब मुझे जानने की इच्छा हो रही है पिताजी, तो आप ही मुझे बताइए कि अचानक मेरे यहां बुलाए जाने का कारण क्या है। जैक्स ने एक और सवाल अपने पिता किंग राइवर से किया। तुम ये अच्छी तरह जानते हो जैक्स कि मेरे बाद अब इस प्लैनेट का पूरा जिम्मा तुम्हारे सिर पर है, और वैसे भी अब मुझमें इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं अब इसकी बागडोर आगे ज्यादा समय तक संभाल सकूं। तो इसीलिए मैं तुम्हें आज एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसका आने वाले किंग के लिए जानना जरूरी है, जैक्स के पिता किंग ने कहा। अगले ही पल किंग ने एक इशारा किया। उसके उंगली से इशारा करते ही प्रिंस जैक्स की बॉडी में एक योद्धा का कॉस्ट्यूम लग गया और दूसरा कॉस्ट्यूम उसके पिता की बॉडी में जाकर लग गया। ये तो कोई योद्धा का कॉस्ट्यूम लग रहा है, लेकिन ये आपने मुझे क्यों दिया, वो भी आज अचानक, विराज यानी कि जैक्स ने सवाल किया। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें आने वाले समय में इसकी जरूरत पड़ेगी। जब तुम दुश्मन के खिलाफ लड़ने उतरोगे तो इसी तरह एक योद्धा की तरह युद्ध में उतरोगे और दुश्मनों से हमारे प्लैनेट की रक्षा करोगे। इसीलिए आज तुम्हें मैं एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराऊंगा जिससे तुम अभी तक अनजान थे। आओ मेरे साथ। ऐसा कहते ही जैक्स के पिता किंग राइवर उसे लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। अगले ही पल जैक्स अपने पिता के साथ एक अनदेखी अनजान जगह पर पहुंच जाता है। ये आप मुझे कहां ले आए पिताजी, जैक्स ने सवाल किया। तुम देखते रहो जैक्स, धीरे धीरे तुम्हें अब सब कुछ समझ में आ जाएगा, किंग राइवर ने जवाब दिया। अगले ही पल आगे चलते हुए जैक्स अपने पिता के साथ पत्थरों की एक बड़े पिलर के पास जा पहुंचा जो हवा में लटका हुआ था और जिसका कोई अंत नहीं था। ये पिलर तो हवा में लटका हुआ है, इसका ना तो मुझे निचला सिरा नजर आ रहा है और इसका ऊपरी सिरा भी मुझे नजर नहीं आ रहा, जैक्स ने सवाल किया। तुम इस पिलर को देखकर हैरान हो जिसका अंत तुम्हें शायद नजर नहीं आ रहा है। हमें इसी पिलर के पास जाना होगा, किंग ड्राइवर ने कहा। लेकिन उस पिलर और हमारे दरमियान एक फासला है, और ये सब क्या है, जैक्स ने पूछा। यहां जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, इसलिए हमें बेझिझक आगे बढ़ते रहना चाहिए। आओ मेरे साथ, किंग ड्राइवर ने प्रिंस जैक्स से कहा, और अगले ही पल दोनों उस पिलर के पास पहुंच गए। इसके बाद किंग ड्राइवर ने उस पिलर पर बने एक निशान को टच किया जो कि दो अजीब से दिखने वाली तलवारों के निशान है। उस तलवारों के निशान को छूते ही जैक्स और किंग ड्राइवर उस पिलर के अंदर समा जाते हैं और पिलर के अंदर जाकर तेजी से उसकी गहराई में जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद उस पिलर के रास्ते ये दोनों एक अलग जगह पहुंच जाते हैं। अब यहां से शुरू होता है तुम्हारा एक नया कारवा, किंग ड्राइवर ने अपने बेटे जैक्स से कहा। लेकिन पिताजी आपने तो कहा था कि आप मुझे एक हकीकत से रूबरू कराना चाहते हैं, लेकिन ये तो मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है, जैक्स ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। सब्र करो प्रिंस, सब्र करो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, किंग ड्राइवर ने हंसते हुए कहा। अगले ही पल जैक्स और उसके पिता किंग ड्राइवर के ऊपर कुछ परिंदों ने हमला कर दिया। ये परिंदे कोई साधारण से परिंदे नहीं है, ये उड़ान भरने के साथ ही शिकार करना भी जानते हैं, और साथ ही इनके तेज नुकीले दांत किसी को भी कच्चा चबा जाने की हिम्मत रखते हैं, और साथ ही इनके दो हाथ भी है जो कि इंसानों की तरह है। लेकिन इनके हाथों की खासियत यह है कि इनमें तैने नुकीले नाखून है जो तलवार से भी तेज है। उन परिंदों ने जब किंग ड्राइवर और साथ ही उसके बेटे जैक्स को घायल करना शुरू कर दिया है, और अब जगह जगह से दोनों की बॉडी से ब्लड निकलना भी शुरू हो गया है। लेकिन जैक्स अपनी आंखों के सामने अपने पिता की हालत देख नहीं पा रहा है, इसलिए अब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी है, और घायल जैक्स अब तैयार है खुद ही इन परिंदों से लड़ने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के ऊपर हमला करने की, जैक्स ने गुस्से से कहा और परिंदों की तरफ बढ़ने लगा। अब जैक्स लगातार उन खूनी परिंदों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अगले पल जैक्स इस बार उन खूनी परिंदों पर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। पिताजी आप ठीक तो है ना, जैक्स ने अपने पिता किंग ड्राइवर से पूछा। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और मैं बिल्कुल ठीक हूं, किंग ड्राइवर ने जवाब दिया। लेकिन पिताजी आपकी बॉडी से तो खून निकल रहा है और आप मुझे शाबाशी दे रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि आप ठीक हैं, जैक्स ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। हाँ, आज ये तुम्हारी पहली कामयाबी है ना, इसलिए मैं तुम्हें इसकी शाबाशी दे रहा हूं, किंग ड्राइवर ने जवाब दिया। पहली कामयाबी, मैं कुछ समझा नहीं पिताजी, जैक्स ने फिर एक बार थोड़ा शॉक्ड होते हुए पूछा। बेटा अभी अभी जो तुम्हारे साथ हुआ वो महज इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक रची रचाई साजिश है, ये एक ऐसे इम्तिहान की शुरुआत है जो कई साल पहले मैंने भी दिया था। तुम यही जानना चाहते थे ना कि ये हकीकत कौन सी है जिसे जानने के लिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं, तो सुनो यह हकीकत तुमसे और मुझसे जुड़ी है। मैं तुम्हें जीते जी हमारे प्लैनेट का किंग बनता हुआ देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द तुम ये जिम्मेदारी संभालो, इसलिए तुम्हें यहां तुम्हारे इम्तिहान के लिए लाया गया है ताकि इस इम्तिहान के जरिए तुम खुद को साबित करो कि तुम किंग बनने के काबिल हो, वरना तुम जानते ही हो कि सत्ता अगर गलत हाथों में चली गई तो उसका अंजाम भी गलत ही होता है, किंग ड्राइवर ने कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस इम्तिहान को सफल बनाने की, जैक्स ने जवाब दिया। नहीं, तुम्हें सिर्फ कोशिश ही नहीं करनी प्रिंस, तुम्हें इस इम्तिहान को हर हाल में पास करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सिवा कोई और ये बागडोर संभाले, किंग ड्राइवर ने एक गहरी आवाज के साथ कहा। जवाब में जैक्स ने भी हां में अपना सिर हिलाया और अगले ही पल वहां से आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे जाने पर जैक्स को वहां बहुत सारी बड़े बड़े रहस्यमय स्टैच्यू दिखाई दिए जिनकी लंबाई काफी ज्यादा है और जिनके हाथों में कुछ अजीब सी तलवारें भी हैं। ये काफी सारे स्टैच्यू हैं जिनकी संख्या 11 है, दरअसल ये वो योद्धा हैं जिनसे अभी तुम्हें युद्ध लड़ना होगा।
ऐसा कहते ही किंग राइवर ने अपने हाथों से कुछ इशारा किया और उसके हाथ में एक तलवार आ गई। उस तलवार को अपने बेटे प्रिंस जैक्स को पकड़ाते हुए उसने कहा, ये 11 योद्धा तुमसे युद्ध करने को बेकरार हैं। तुम्हें अभी इनमें से एक से युद्ध करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, युद्ध करते हुए अगर गलती से भी तुम स्टैच्यू बने बाकी योद्धाओं से टकरा गए तो वे सभी जिंदा हो जाएंगे और फिर तुम्हें उनसे भी युद्ध करना होगा, जो कि तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये 11 योद्धा बेहद ही ताकतवर योद्धा हैं जो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। किंग की बात जैक्स समझ गया और कुछ सोचते हुए हां में सिर हिला दिया। अगले ही पल जैक्स उन सभी 11 स्टैच्यू को बड़े गौर से देखने लगा, जिनमें से एक से उसे अभी युद्ध करना होगा। क्या सोच रहे हो प्रिंस, क्या तुम इस युद्ध के लिए तैयार हो? अगर हां तो चुनो अपना प्रतिद्वंदी, किंग राइवर ने एक तेज आवाज के साथ कहा। जवाब में प्रिंस जैक्स ने अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहा, मैं इस तीसरे नंबर के योद्धा से युद्ध करूंगा। ऐसा कहते ही जैक्स उस तीसरे नंबर के स्टैच्यू के पास पहुंचा और उसे अपने हाथों से छूने लगा। जैक्स के उस तीसरे नंबर के स्टैच्यू को छूते ही उसमें से एक तेज रोशनी निकली और अगले ही पल एक तेज बिजली का झटका जैक्स को लगा और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उठो प्रिंस और युद्ध करो उससे, किंग राइवर ने कहा। किंग राइवर के ऐसा कहते ही प्रिंस जैक्स उठा तो उसने सामने देखा कि एक बेहद ताकतवर शख्स जिसकी लंबाई यूं ही कुछ 10 फीट के आसपास है, वो प्रिंस जैक्स को गुस्से भरी आंखों से देख रहा है। अब शुरू होने जा रहा है प्रिंस जैक्स का एक ऐसा युद्ध जिसे अगर प्रिंस जैक्स हार गया तो उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। अरे ये क्या अजीब आफत मेरे सामने आ गई है, इतना लंबा चौड़ा इंसान ये तो मेरी जान ही ले लेगा, प्रिंस जैक्स घबराते हुए कह रहा है। अब मेरे वार से खुद को बचाकर दिखाओ बच्चे, इतना कहते ही पुतले से बना शख्स प्रिंस जैक्स पर हमला कर देता है। अपनी छाती पर पड़ी दमदार लात से प्रिंस जैक्स मरा तो नहीं, मगर 10 फीट पीछे की ओर हवा में उड़ते हुए गिर जाता है। लगभग 10 सेकंड तक तो प्रिंस जैक्स जमीन पर ही गिरा रहता है, उसके बाद खांसते हुए वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो कुछ ही देर में मर जाऊंगा, मुझे कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे ये आफत खत्म हो जाए, लड़खड़ाते हुए प्रिंस जैक्स कहता है। एक बार फिर कोशिश करके देखता हूं, क्या पता इस बार इस आफत को मैं खत्म करने में कामयाब हो जाऊं। ऐसा कहते ही प्रिंस जैक्स तेज रफ्तार के साथ उस 10 फीट के योद्धा से लड़ने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है और बहुत तेजी से उस 10 फीट के योद्धा की बाहों पर हमला कर देता है। इस हमले से उस योद्धा की बाहें तो कट जाती है, मगर वो फिर एक जानदार लात प्रिंस जैक्स को इस तरह मारता है कि प्रिंस जैक्स 5वें नंबर के पुतले से जाकर टकरा जाता है। 5वें नंबर के पुतले से टकराने के बाद प्रिंस जैक्स बिना कुछ सोचे समझे बड़ी तेजी से उस 10 फीट के योद्धा से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर इस बार प्रिंस जैक्स उस 10 फीट के इंसान के एक पैर को काट देता है। तुझे तो मैं खत्म करके ही दम लूंगा, प्रिंस जैक्स उस 10 फीट के इंसान से कहता है, लेकिन इतने में प्रिंस जैक्स के सिर पर एक जोरदार हमला होता है। इस हमले से प्रिंस जैक्स एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ता है, उसकी आंखों के सामने अब सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। आह, ये मेरे सर पर इतना बड़ा हथौड़ा किसने मार दिया? प्रिंस जैक्स कुछ बोल तो नहीं पा रहा, मगर अपने मन ही मन कह रहा है। जमीन में गिरा प्रिंस जैक्स पलट के देखता है तो उसे अपने सामने एक और अजीब सा योद्धा दिखाई देता है, जिसकी हाइट लगभग 7 फीट है, मगर इसके हाथ इतने विशालकाय हैं मानो हाथ न होकर किसी पेड़ का मोटा तना हो। अरे ये कैसा हैवान है, ये योद्धा कम लोहा ज्यादा लग रहा है, हल्के से अपने होठों से बुदबुदाते हुए प्रिंस जैक्स कहता है। इसके बाद 7 फीट का वो योद्धा प्रिंस जैक्स को बड़ी आसानी से अपने दोनों हाथों में उठा लेता है और बहुत दूर फेंक देता है। हारो मत प्रिंस जैक्स, तुम ये कर सकते हो, अगर तुम्हें खुद को साबित करना है तो इन दोनों को खत्म करना ही होगा। खुद के अंदर विश्वास की एक किरण जगाते हुए प्रिंस जैक्स अपने पैरों पर खड़े होता है। तुम्हें मौत मेरे हाथों ही मिलेगी, ऐसा कहते ही प्रिंस जैक्स अपने हाथों में तलवार थामे तेज कदमों के साथ आगे की ओर बढ़ता है। बड़ी ही बहादुरी के साथ प्रिंस जैक्स उन दो ताकतवर योद्धाओं का मुकाबला करता है। प्रिंस जैक्स अपने एक ताकतवर प्रहार से 10 फीट के उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। वाह, मैंने कर दिखाया, एक जोश भरी आवाज में प्रिंस जैक्स कहता है, मगर इतने में उसके कान के पास से एक तेज मुक्का रफ्तार से आकर उसे एक बार फिर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद प्रिंस जैक्स उठकर 7 फीट के उस योद्धा से मुकाबला करना शुरू कर देता है। प्रिंस जैक्स अपनी तलवार की तेज धार से 7 फीट के उस योद्धा को बहुत सी चोटें देने में सफल होता है, मगर इस मुकाबले में एक बार फिर गलती से प्रिंस जैक्स एक और पुतले से टकरा जाता है। इस बार प्रिंस जैक्स के छूने से पहले नंबर का पुतला इंसान बन जाता है। इस पहले नंबर के पुतले के पास कुछ ज्यादा खास पावर्स नजर नहीं आती, मगर इस योद्धा के हाथ में एक तलवार है। अब 7 फीट का वो योद्धा और तलवार वाला वो दूसरा योद्धा प्रिंस जैक्स का मुकाबला करने के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं, मगर 7 फीट का योद्धा तेजी से भागकर प्रिंस जैक्स के पास आ जाता है और अपने ताकतवर हाथों से प्रिंस जैक्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। मुझे हराना इतना आसान भी नहीं है, अपने मन में कमिटमेंट करते हुए प्रिंस जैक्स भी अटैक करना शुरू करता है। कुछ देर तक ये मुकाबला एकदम कांटे की टक्कर पर रहता है, लेकिन इतने में हाथ में तलवार लिए वो योद्धा भी प्रिंस जैक्स पर हमला कर देता है। अगले ही पल परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि प्रिंस जैक्स को अकेले ही उन दोनों का एक साथ सामना करना पड़ता है। इस मुकाबले में एक बार फिर प्रिंस जैक्स अपने साहस का उदाहरण पेश करते हुए तलवार लिए उस योद्धा का खात्मा कर देता है, मगर इतने में प्रिंस जैक्स पर 7 फीट का योद्धा भारी पड़ने लगता है और 7 फीट का योद्धा प्रिंस जैक्स की धुलाई करने के बाद उसे उस ओर फेंक देता है जहां बाकी पुतले खड़े हैं। इसे प्रिंस जैक्स की फूटी किस्मत कहें या इत्तेफाक, मगर इस बार प्रिंस जैक्स सारे पुतलों को एक के बाद एक गिराते हुए सबसे आखिरी में जाकर गिर जाता है। प्रिंस के स्पर्श से सारे पुतले जीवित हो जाते हैं। प्रिंस जैक्स घायल अवस्था में वहीं जमीन पर गिरा हुआ है, उसके मुंह से खून बह रहा है, साथ ही पूरे शरीर पर लगी चोटें जले पर नमक का काम कर रही है। कुछ मिनट बेहोशी की हालत में पड़े रहने के बाद प्रिंस जैक्स अपनी आंखें खोलता है। मैं ऐसे हार नहीं सकता, मुझे इनका मुकाबला करना ही होगा,
दर्द से कहराते हुए प्रिंस जैक्स कहता है। अगले ही पल लड़खड़ाता हुआ प्रिंस जैक्स उठता है और सारे पुतलों को देखता है। क्या प्रिंस जैक्स जीत पाएगा इन 11 पुतलों से? जैक्स उन पुतलों को देखकर हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। ये तो एक दो नहीं पूरे 9 है, इनका मुकाबला करना मुश्किल हुआ। प्रिंस जैक्स अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था। इतने में वो सभी पुतलों से बने जिंदा योद्धा प्रिंस जैक्स के पास भागते हुए आते हैं और एक एक करके बहुत बुरी तरह से प्रिंस जैक्स को मारना शुरू कर देते हैं। उन सभी से लगभग 5 मिनट मार खाने के बाद प्रिंस जैक्स अधमरी हालत में आकर जमीन पर गिर जाता है। सभी 9 पुतलों को लगता है कि प्रिंस जैक्स का खेल अब बस खत्म हो गया। कुछ मिनट अधमरी हालत में जमीन में गिरे रहने के बाद प्रिंस जैक्स दोबारा खड़ा होता है। बस इतना ही दम है तुम लोगों में, एक दमदार आवाज में प्रिंस जैक्स कहता है। लेकिन अभी तक अधमरी हालत में गिरे प्रिंस जैक्स के पास ये पावर आ कैसे जाती है ये खुद वो भी नहीं जानता। आओ युद्ध करो मुझसे, शेर की तरह हुंकार भरते हुए प्रिंस जैक्स उन 9 योद्धाओं पर टूट पड़ता है। भयंकर घमासान के बाद आखिरकार प्रिंस जैक्स सफलता का परचम लहराने में सफल रहता है। तुम्हें खत्म करना मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं, उन 9 इंसानों को मारने के बाद प्रिंस जैक्स आगे कहता है। बस 11 ही थे, अगर और भी हो तो आ जाओ मुझसे मुकाबला करने। कहते कहते विराज, जो धरती पर रोमा को कहानी सुना रहा था, वो चुप हो गया। उसे चुप देख रोमा ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, क्या हुआ आगे बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी जीत पर क्या कहा? रोमा की बात पर विराज यानी कि जैक्स सोच में पड़ गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। एक तरफ विराज आगे कुछ कहने से डर रहा था तो वहीं इधर दूसरी तरफ लाइका देर रात तक सोई नहीं है, वो भी अब तक अर्जुन के बारे में ही सोच रही है। तभी उसके कमरे में रणवीर दस्तक देता है। रणवीर को देख लाइका थोड़ा घबराती है। आप यहां? लाइका ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। हाँ मैं ये देखने आया था कि तुम्हें नींद भी आ रही है या नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा सही था, वाकई में तुम अभी तक जाग रही हो, रणवीर ने कहा। हाँ वो बस ऐसे ही आज नींद नहीं आ रही, लाइका ने एक अजीब मायूसी भरी आवाज में कहा। क्या बात है मेघा, मैं आज काफी समय से देख रहा हूं तुम काफी उदास हो, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? रणवीर ने लाइका से पूछा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बताती, लाइका ने एक सिंपल सा जवाब दिया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मेघा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, रणवीर ने सवाल किया। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अब मुझे नींद नहीं आ रही, आप भी जाकर सो जाइए। ऐसा कहते लाइका सोने के लिए रेडी हुई तो वहीं रणवीर भी उसके रूम से बाहर चला गया। कोई ना कोई बात तो जरूर ऐसी है जो मेघा मुझसे छुपा रही, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि मेघा का मूड कुछ उखड़ा सा रहने लगा, मुझे पता करना होगा, रणवीर ने लाइका के कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में अर्जुन को उसके पिता ने घर से बाहर निकलने को मना किया, लेकिन आज अर्जुन कॉलेज के लिए भी तैयार नहीं हो पाया। तभी अचानक उसे अपनी साइकिल का ध्यान आया जिसे वो कल रात असली दुनिया के अर्जुन के पास छोड़ाया था। अरे बाप रे मर गया, मुझे तो साइकिल का होश ही नहीं है, लेकिन अब क्या करूं, मुझे तो घर से बाहर जाने को पापा ने मना किया हुआ है, और इस बार अगर मैं अपने मन से बाहर चला गया तो पापा हमेशा हमेशा के लिए मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, परेशान अर्जुन खुद से कहता है। इतना कहकर उसकी नजर अपने फोन पर जाती है। फोन को देखकर उसे याद आता है कि उसने कल रात से सुपर अर्जुन को फोन भी नहीं किया, इसलिए वो फोन उठाकर सुपर अर्जुन को कॉल करने लगता है, जो फोन उसने ही दिया था जो आधा खराब था। लेकिन सुपर अर्जुन इस बार उसका कॉल नहीं उठाता जो कि अभी डेविल जूल के साथ बिजी है। लेकिन एक रात डेविल जूल के साथ उसके घर में गुजारने के बाद अर्जुन को यहां कुछ अपनापन जैसा लगने लगा है, जो यहां आकर इस दुनिया में अभी तक कहीं खो गया था। और यूं ही बातों में उसे लगा कि उसे डेविड को अपनी सच्चाई पता देनी चाहिए कि वो किसी दूसरी दुनिया से यहां आया। वो पहले डेविड को कुछ बताने को हुआ लेकिन फिर कहते कहते रुक गया। क्या बात है अर्जुन, अर्जुन ही नाम बताया था ना तुमने कल रात को मुझे, तुम कुछ कहना चाहते थे मुझसे, डेविड जूल ने अर्जुन से पूछा। हाँ मैं तो बस आपसे ये कहना चाहता था कि आप अभी भी मुझे काफी समझदार इंसान लगते हैं, मुझे लगता है कि आपको दोबारा से अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। हाँ लेकिन अब वो पहले जैसी बात कहां रही, अब तो मेरे हाथ में बुक्स कम शराब की बोतल ज्यादा दिखती है, और इस शराब को मैं छोड़ नहीं सकता तो बुक्स को वापस कैसे पकड़ूं, डेविड जूल ने मजाकिया अंदाज में कहा। वैसे इतना मुश्किल काम भी नहीं है शराब छोड़ना, अगर मन बना लिया तो ये आदत भी धीरे धीरे छूट जाएगी आपकी, अर्जुन ने जवाब दिया। मुश्किल है बॉस, अब तो जब जिंदगी छूटेगी तभी ये छूटेगी वरना नहीं, अपने ही अंदाज में डेविड ने कहा। तभी अचानक अर्जुन के फोन में एक कॉल आया जो कि प्रोफेसर श्रीनिवासन का था। अर्जुन ने कॉल पिक किया और डेविड से थोड़ा दूर चला गया। क्या बात है प्रोफेसर, आपने अचानक मुझे कॉल किया, कोई बात है क्या, अर्जुन ने पूछा। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, इसलिए क्या तुम मुझसे उसी जगह मिल सकते हो जहां हम पहली बार मिले थे, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा। प्रोफेसर श्रीनिवासन अभी थोड़ा घबराया हुआ है जो शायद अर्जुन से कोई जरूरी बात करना चाहता है। लेकिन प्रोफेसर ये पॉसिबल नहीं है, शायद आप नहीं जानते लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मेरे पीछे पड़ी है, आज उन्हें मेरे यहां होने का पता चल गया, उन्हें पता लग चुका है कि मैं किसी और दुनिया से आया हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। हाँ तो फिर ठीक है, तुम एड्रेस बताओ मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने आ जाता हूं, क्योंकि मेरा तुमसे मिलना अभी बहुत जरूरी है, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा। प्रोफेसर श्रीनिवासन के ऐसा कहते ही अर्जुन ने डेविड के घर के बाहर एक पार्क एड्रेस प्रोफेसर श्रीनिवासन को बताया, फिर कॉल काट दिया। इधर दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में रात हो चुकी है और एक सुनसान जगह पर विराज और रोमा बैठे हैं।
काफी देर तक सोचने के बाद विराज ने अपनी अधूरी कहानी को बताना शुरू किया। ये उस वक्त की बात है जब प्रिंस जैक्स ने उन्हें 11 पुतलों को मार गिराया था। प्रिंस जैक्स की जीत पर उसके पिता किंग राइवर काफी खुश हुए, क्योंकि आज उनके बेटे ने न सिर्फ इस इम्तिहान को पास किया बल्कि उसने उनके साम्राज्य के आने वाले किंग बनने की दावेदारी को भी मजबूत कर दिया है। बहुत खूब प्रिंस, बहुत खूब, तुमने अच्छे से युद्ध किया, तुमने अपनी कला का अच्छे से इस्तेमाल किया। ऐसा कहते ही किंग राइवर ने अपने बेटे प्रिंस जैक्स को गले लगा लिया। पिताजी, क्या आगे और भी कोई इम्तिहान शेष है मेरा? अगर कोई और इम्तिहान शेष हो तो मैं उसे भी पार करने को तैयार हूँ, प्रिंस जैक्स ने सवाल किया। नहीं मेरे बेटे, अब तुम्हें कोई और इम्तिहान देने की जरूरत नहीं है, तुमने इस इम्तिहान को उत्तीर्ण किया है मेरे बेटे, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, किंग राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन एक बड़े से मैदान में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। वहां दो बड़ी बड़ी कुर्सियां लगाई गई है। उसे देखकर लगता है जैसे ये महाराज और महारानी की कुर्सियां हैं, और उनके ठीक बगल में प्रिंस जैक्स की कुर्सी लगाई गई। इसके अलावा वहां उनके साम्राज्य के अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनमें मंत्री, सेनापति और बाकी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। साथ ही किंग के परिवार वाले भी वहां पर मौजूद हैं, जिसमें किंग का एक छोटा भाई भी शामिल है। वहां पर कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजने शुरू होते हैं जो कि धरती पर बजने वाले ढोल नगाड़े जैसे हैं। अगले ही पल किंग राइवर प्रिंस जैक्स को अपने साम्राज्य का नया किंग बनाने की घोषणा करते हैं। मैं आप सभी के सामने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारी रियासत का रिवाज रहा है कि एक किंग के शासन के बाद दूसरे किंग को हमारे साम्राज्य का भार संभालना पड़ता है। इसलिए आज वो वक्त आ गया है जब मुझे आप सभी को यह बताते हुए बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस रियासत का आने वाला किंग अपने बड़े बेटे प्रिंस जैक्स को चुनता हूं। किंग राइवर ने हजारों लोगों के सामने घोषणा करते हुए कहा, और किंग के इस फैसले का वहां पर आए सभी लोगों ने स्वागत किया सिवाय कुछ लोगों के, जिनमें किंग का सेनापति कायल और उसके साथी शामिल हैं। अगर किंग की अनुमति हो तो मैं इस संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगा, तभी एक तेज आवाज में सेनापति कायल ने किंग राइवर से कहा। हाँ बोलो सेनापति, क्या कहना चाहते हैं आप? किंग राइवर ने पूछा। आपके प्रिंस जैक्स को रियासत का नया किंग बनाने के फैसले का मैं विरोध करता हूं, एक कड़कती आवाज में सेनापति कायल ने जवाब दिया। सेनापति के इस जवाब ने वहां पर आए हजारों की संख्या में लोगों के साथ ही किंग और प्रिंस को भी हैरान कर दिया, क्योंकि आज यह पहला मौका था जब किसी ने पहली बार किंग के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था, और आज यह पहला मौका था जब इस रियासत के नए किंग बनने पर किसी ने विरोध किया हो। इसकी वजह जान सकता हूं मैं? एक तेज आवाज में किंग ने पूछा। आज तक रियासत का एक ही रिवाज रहा है कि किंग हमेशा एक ही परिवार का सदस्य बनता है, और वो किंग का बेटा ही होता है जो हर बार होता चला रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है, सेनापति कायल ने कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि आज तक अगला किंग हमारे परिवार का कोई सदस्य बनता है, तो बावजूद इसके तुम्हें क्यों आपत्ति है? किंग ने सवाल किया। आपत्ति है किंग? बहुत बड़ी आपत्ति है। हमारी रियासत में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, और इन लाखों की संख्या में से हजारों लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह काबिलियत रखते हैं कि वो इस रियासत की बागडोर संभाले और उन्हें किंग का ताज मिले, लेकिन उन्हें उनकी काबिलियत का कुछ नहीं मिलता। आप ही बताइए किंग, क्या उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार कोई पद नहीं मिलना चाहिए? सेनापति कायल ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? किंग राइवर ने फिर एक बार चौंकते हुए बोला। मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले 3 दिन बाद यहां इसी मैदान में हमारे सब राज्य के तमाम योद्धाओं के बीच एक ऐसी प्रतियोगिता हो जिसमें जीतने वाले को इस साम्राज्य का आने वाला किंग बनाया जाए, सेनापति कायल ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने फैसले पर अड़िग हैं, इसलिए हम अपने फैसले को नहीं बदल सकते, और राजा बनने के लिए जो इम्तिहान एक राजकुमार को देना होता है वो जैक्स ने दे दिया है, किंग राइवर ने जवाब दिया। और उस फैसले का क्या हुआ जो आज से कई साल पहले आपने लिया था? जब मैंने आपकी जान बचाई थी तब आपने मुझे एक वचन दिया था कि सही वक्त पर मैं जो कहूंगा वो आपको मानना पड़ेगा, जो मैं मांगूंगा वो आपको देना होगा। क्या इतना भूल गए आप? क्या आपका मुझको दिया वचन झूठा साबित हो जाएगा? सब ये समझ लो कि किंग अपनी बातों पर कायम नहीं रहता, सेनापति कायल ने पूछा। मुझे याद है वो वचन, लेकिन तुम जो मांग रहे हो वो कैसे मुमकिन है? किंग ने कहा। मैं आपकी बेहद इज्जत करता हूं किंग, अगर मैं चाहता तो आपसे आपकी पूरी रियासत मांग लेता या कुछ और भी मांग सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैंने आज आपसे सिर्फ इतना मांगा है कि आप इस राज्य के तमाम योद्धाओं के बीच एक ऐसी प्रतियोगिता कराएं जिसमें जीतने वाले योद्धा इस साम्राज्य का अगला किंग होगा, सेनापति कायल ने किंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन तभी प्रिंस जैक्स ने किंग राइवर के पास आकर कहा, सेनापति जी ठीक कह रहे हैं पिताजी, और वैसे भी काबिलियत का आकलन कई कठिन संघर्ष को पार करने के बाद होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे सामने एक और नई चुनौती आ जाएगी जिसे मैं कर पाऊंगा भी या नहीं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस चुनौती के लिए भी तैयार हूं। मुझे खुशी होगी कि मैं इस रियासत के तमाम काबिल योद्धाओं को हराकर किंग बनूं, प्रिंस जैक्स ने कहा। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी भी यही इच्छा है तो हम इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए तैयार हैं, किंग ने जवाब दिया। किंग राइवर के इस जवाब के साथ सेनापति कायल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। अब वो होगा जो आज तक नहीं हुआ, किंग के बदलने का वक्त आ चुका है, अपने मन में सोचते हुए कायल कहता है। फिर ये तो तुम्हारे लिए काफी आसान होगा, तुम तो इस किंग प्रतिस्पर्धा में जीत गए होगे, रोमा ने सवाल किया जो विराज यानी जैक्स से उसकी कहानी सुन रहा था। रोमा के सवाल पर विराज ने कहा, कई बार हम जिस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते वो हमारे साथ होता है, जो भरोसेमंद होता है वही असल में हमारे भरोसे को तोड़ता है। इसका मतलब तुम्हारे किसी भरोसेमंद ने ही तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था? रोमा ने सवाल किया। हाँ, सेनापति कायल का बेटा रोबर मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था, जब उसे ये बात पता चली कि इस प्लैनेट का नया किंग बनने के लिए उसे भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना होगा, तो इस सिलसिले में बात करने के लिए वो अगले दिन मेरे पास आया। कहते कहते विराज उस पल को याद करने लगा। मैंने सुना है कि इस रियासत के नए किंग चुने जाने के लिए इस प्लैनेट के नामी कुशल योद्धाओं को एक प्रतिस्पर्धा में भाग लेना है जो कि 2 दिन बाद शुरू होने जा रही है, क्रोबर ने सवाल किया। हाँ,
क्यों, क्या हुआ? प्रिंस जैक्स ने कहा। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता जैक्स, क्रोबर ने कहा। लेकिन क्यों, इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है? पर हाँ, उन कुशल योद्धाओं में तुम भी तो हो, तुम्हें भी इस प्रतिस्पर्धा में उतरना होगा और कोशिश करनी होगी कि अगला किंग तुम बनो। हल्की मुस्कुराहट के साथ प्रिंस जैक्स ने जवाब दिया। अब क्या होगा आगे, और क्या जैक्स अपने दोस्त की सच्चाई जान पाएगा? जैक्स का दोस्त क्रोबर जैक्स के लिए काफी खुश था, और वो ये भी चाहता था कि जैक्स राजा बने, पर मन ही मन उसके कुछ और ही चल रहा था। तो वहीं जैक्स भी चाहता था कि क्रोबर प्रतियोगिता में भाग लेकर जीते और राजा बने। लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, और मैं राजा नहीं बन सकता, क्रोबर ने अपनी बात रखते हुए कहा। लेकिन क्यों, आज ये पहली बार हो रहा है जब सभी को मौका मिल रहा है किंग बनने का, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम आने वाले किंग बनकर इस साम्राज्य की बागडोर संभालो? प्रिंस जैक्स ने सवाल किया। नहीं, तुम ये अच्छे से जानते हो ना कि हम दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं, और इस प्रतिस्पर्धा में एक वक्त ऐसा मौका भी आएगा जब हम दोनों को आपस में ही किंग बनने के लिए लड़ना होगा, वो मुझे मंजूर नहीं, जैक्स के दोस्त ने जवाब दिया। लेकिन ये कोई हकीकत का युद्ध नहीं है, सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा है, किंग बनने की प्रतिस्पर्धा। अब इसमें तुमसे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है जो हम दोनों एक दूसरे को जान से मार डालेंगे। आसान सी बात है, जो जीतेगा वही किंग बनेगा, प्रिंस जैक्स ने जवाब दिया। लेकिन मुझे इस प्लैनेट के किंग बनने में कोई रुचि नहीं है, सेनापति के बेटे क्रोबर ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन क्यों, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम किंग बनकर इस प्लैनेट की रियासत को संभालो? और वैसे भी तुम्हारे पिता की भी यही इच्छा है, अगर तुम किंग बनने की इस प्रतिस्पर्धा में नहीं उतरोगे तो ये तुम्हारे पिता का अपमान होगा, इसलिए अपने पिता के वचनों के सम्मान के लिए तुम्हें यह करना ही होगा। और मेरे दोस्त, अगर यहां तुम मुझे हराकर किंग बन भी जाते हो तो भी मुझे खुशी होगी, प्रिंस जैक्स ने कहा। और इस तरह प्रिंस जैक्स के क्रोबर को समझाने पर वो समझ गया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। प्रिंस जैक्स लगातार अपने कला कौशल और बुलंद हौसलों के दम पर खुद को साबित करता रहा, इसीलिए वो एक के बाद एक बड़े बड़े योद्धाओं को हराता गया। तो वहीं दूसरी तरफ सेनापति का बेटा क्रोबर भी लगातार अपनी शौर्य का प्रदर्शन करते हुए हर एक पड़ाव को पार करता हुआ आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया, और अब वो अपने दोस्त प्रिंस जैक्स के सामने खड़ा है, जिसके साथ उसे आखिरी पड़ाव में किंग बनने के लिए संघर्ष करना है, जो कि अगले दिन होगा। रात के समय जब प्रिंस जैक्स अपने कमरे में पहुंचा तो उसे वहां पर एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि आज रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो तुम मुझसे मिलने आना, और हाँ, इस बात को किसी को मत बताना, मैं तुम्हारा दोस्त क्रोबर हूं। इस लेटर में जगह का नाम भी लिखा गया था। जैसे ही प्रिंस जैक्स ने उस लेटर को पढ़ा, उसके बाद जैसे ही प्रिंस अपने रूम से बाहर आया, वैसे ही उस लेटर को उसके कमरे में जाकर किसी ने उठा लिया। अगले ही पल प्रिंस जैक्स देर रात अकेले सुनसान उस जगह पर पहुंचा जहां उसके दोस्त क्रोबर ने बुलाया था। उस सुनसान जगह पर जाकर प्रिंस जैक्स जोर जोर से अपने दोस्त का नाम लेने लगा। थोड़ी देर में उसने पास में ही एक जगह देखा कि उस जगह कई सारे ताबूत रखे हुए थे जिसके अंदर कई सारी लाशें थी। उन ताबूतों को देखकर प्रिंस चौंक उठा। ये सब क्या है, और ऐसा मजाक कौन कर रहा है, वो भी इतनी रात को, जैक्स ने हैरान होते हुए कहा। अगले ही पल उसने वे ताबूत खोलकर देखे तो पाया कि वहां करीब एक दर्जन से भी ज्यादा इस प्लैनेट के निर्दोष लोग थे जिन्हें बेरहमी से मारा गया था, और उन्हीं ताबूतों के पास एक रहस्यमय तलवार रखी गई थी जो कि ब्लू कलर के ब्लड से लथपथ थी। प्रिंस जैक्स ने जैसे ही उस तलवार को अपने हाथों में उठाया, वैसे ही वहां पर तेज रोशनी आई, और फिर वहां पर किंग राइवर समेत सेनापति कायल और बाकी लोग भी पहुंच गए, जिनके साथ प्रिंस जैक्स का दोस्त क्रोबर भी था, और ये सभी अब प्रिंस जैक्स को एक अजीब नजरों से देख रहे थे। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्रिंस, किंग राइवर ने गुस्से से कहा। आप क्या कह रहे हैं पिताजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रिंस जैक्स ने घबराते हुए जवाब दिया। इतने मासूम लोगों को मारकर अब और क्या समझाना चाहते हो तुम, गुस्से से क्रोबर ने कहा। ये तुम क्या कह रहे हो क्रोबर, मैंने इन मासूम लोगों को मारा, भला मैं इनको क्यों मारने लगा, चौंकते हुए प्रिंस जैक्स बोला, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त ने ऐसा कहा था। मैं आपसे नहीं कहता किंग कि आपका बेटा कई लोगों का हथियार है, लेकिन आपने तब मेरी बात नहीं मानी थी, आज आप खुद ही देख लीजिए कि आपके बेटे ने क्या किया है, तभी गुस्से में फिर सेनापति कायल ने कहा। हाँ ये सच है, क्रोबर ने कहा। ये तुम क्या कह रहे हो क्रोबर, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हैरान होते हुए जैक्स ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त पहले था लेकिन अब नहीं हूं, क्योंकि तुमने आज हमारी दोस्ती में दरार डाल दी है जैक्स। अरे आज तो मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए, क्रोबर ने कहा। तुमने आज ऐसी गिरी हुई हरकत करके मेरा मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। वो तो भला हो क्रोबर का जिसने मुझे इन वक्त पर तुम्हारी सच्चाई बता दी, मैंने आज तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, वरना मैं तुम्हें हमेशा अच्छा ही समझते रहता। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, किंग राइवर ने कड़कती आवाज में कहा। पिताजी आप भी इन सब की तरह ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या आपको आपके बेटे पर जरा भी भरोसा नहीं, आपको नहीं लगता कि आपका बेटा ऐसा गिरा हुआ काम नहीं कर सकता, रोते हुए जैक्स बोला। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है जैक्स, इसलिए आज मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। तुम चाहे मेरे बेटे हो लेकिन मेरे लिए न्याय खुद के निजी रिश्तों से बड़ा है, इसलिए तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। और रहा सवाल आने वाले किंग का, तो इस प्लैनेट का आने वाला किंग होगा क्रोबर, किंग राइवर ने कहा। किंग राइवर कैसा कहते ही प्रिंस जैक्स के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो घबरा गया। मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं पिताजी, लेकिन मैं बेकसूर हूं, इन दोनों बाप बेटों की इसमें चाल है पिताजी जो आप नहीं समझ रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे एक मौका मिले जिससे मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूं, प्रिंस जैक्स रिक्वेस्ट करते हुए बोला। इतने में कायल आकर बीच में बोला, नहीं, जो कुछ भी तुमने किया है वो सबके सामने है, इसलिए अब तुम्हें सजाए मौत मिलेगी, सैनिको पकड़ लो इसे,
ऐसा कहते ही कुछ सैनिक प्रिंस जैक्स को पकड़ने गए, लेकिन प्रिंस जैक्स ने उन सैनिकों को धूल चढ़ा दी। और फिर मैं सभी लोगों को चकमा देता हुआ वहां से भागते हुए अपने प्लैनेट से बाहर आ गया और काफी लंबे समय तक अंतरिक्ष में भटकता रहा। वर्तमान समय में जैक्स, जो कि विराज था, वो खामोश हो गया। रोमा उसे बड़े गौर से देख रहा था। फिर मैं धरती पर कब आकर गिर पड़ा मुझे कुछ पता न चला, और तब से लेकर अब तक ऐसे ही भटक रहा हूं। विराज यानी प्रिंस जैक्स ने रोमा को अपनी सारी कहानी बता दी। रोमा अब विराज की सारी हकीकत जान चुका है कि वो मेरिटोना प्लैनेट से भागता हुआ धरती पर आ पहुंचा है। तुम्हारी कहानी बेहद दिलचस्प है। तुम्हें लगता है कि तुम कभी अपने प्लैनेट जाकर वापस वो सम्मान हासिल कर पाओगे जो तुमने खो दिया? रोमा ने विराज से सवाल किया। मुझे नहीं पता कि मैं कब वो सम्मान पाऊंगा जो मैंने खोया हुआ है, लेकिन धरती पर आकर मुझे जब सुपर अर्जुन के बारे में पता चला तो एक उम्मीद जगी कि सुपर अर्जुन इसमें मेरी मदद करेगा। लेकिन अब सुपर अर्जुन जो इस दुनिया में नहीं है तो उसके अलावा कौन करेगा मेरी मदद? विराज ने जवाब दिया। एक तरफ विराज ने रोमा को सब बता दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में प्रोफेसर श्रीनिवासन दिन के करीब 1 बजे रियल वर्ल्ड के अर्जुन से मिलने आया। अभी डेविड जूल घर पर नहीं है, इसलिए उसने प्रोफेसर श्रीनिवासन को अपने घर के बाहर मौजूद एक पार्क में बुलाया। प्रोफेसर श्रीनिवासन आज थोड़ा परेशान है, इसलिए अर्जुन उससे उसकी परेशानी का कारण जानना चाहता है, और साथ ही वो एक बात भी जानना चाहता है जो अर्जुन के लिए जानना जरूरी है। क्या बात है प्रोफेसर, आप इतना परेशान क्यों हैं? और वो क्या जरूरी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, जो मेरे लिए जानना जरूरी है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, क्या मैं तुमसे जान सकता हूं कि जब से तुम यहां इस वर्ल्ड में आए हो तब से क्या तुमने डॉक्टर ध्रुव के बारे में सुना है? प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अर्जुन से सवाल किया। ये डॉक्टर ध्रुव कौन है? मैंने अभी तक उनके बारे में नहीं सुना है, अर्जुन ने एक सिंपल सा जवाब दिया। डॉक्टर ध्रुव मेरा छोटा भाई है, लेकिन उसका उद्देश्य वो नहीं जिससे इंसानियत को फायदा हो, बल्कि वो इंसानियत के खिलाफ हर रोज एक नई जंग छेड़ने की कोशिश करता है। जहां एक और मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे काम करके हमारे देश के युवाओं का सही मार्गदर्शन करूं, तो वहीं मेरा भाई ध्रुव देश के युवाओं को भटकाने की कोशिश करता है, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने जवाब दिया। यानी कि आपका भाई डॉक्टर ध्रुव हमारे देश की यूथ को क्या नशे का आदि बना रहे हैं? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि वो एक ऐसी डिवाइस तैयार करने पर जुटा हुआ है जिससे वो एक चिप की मदद से सारे यूथ के माइंड को कंट्रोल करेगा। फिर हमारे देश के जितने भी यूथ हैं वो खुद के माइंड से नहीं बल्कि उस चिप के माइंड से कंट्रोल होंगे, और फिर धीरे धीरे वे उनके मर्जी के विरुद्ध काम भी करेंगे। तुम मुझसे फोन में कह रहे थे ना कि तुम्हारे पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पड़ी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर ध्रुव ने ही तुम्हारे पीछे लगाई थी, ना कि स्पेशल यहां की गवर्नमेंट ने, श्रीनिवासन ने जवाब दिया। श्रीनिवासन की इस बात पर अर्जुन पूरी तरह चौंक उठा कि क्या आपके भाई डॉक्टर ध्रुव ने यह सब किया? वो तो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब अब मैं फिर एक बार डॉक्टर ध्रुव की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजरों में आया तो मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। हाँ, यह सच है कि अब तुम्हारी जान को पहले से भी ज्यादा खतरा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने की, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। और फिर अर्जुन को इतना सब बताकर प्रोफेसर श्रीनिवासन वहां से चला गया। अगले ही पल अर्जुन जैसे ही पार्क से वापस जाने को हुआ वैसे ही उसके फोन पर काम्या का कॉल आया। हाँ बोलो काम्या, क्या बात है? अर्जुन ने काम्या से सवाल किया। मुझे तुमसे मिलना है अर्जुन, काम्या ने फोन की दूसरी ओर से जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हें भी मुझसे मिलना है? अर्जुन ने एक मजाकिया अंदाज में पूछा। तुम्हें भी मिलना है मतलब? काम्या ने कहा। अरे मेरा मतलब है कि कब मिलना है तुम्हें मुझसे? अर्जुन ने सवाल किया। आज ही, तुम आज फ्री हो तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है, अर्जुन को लेकर, काम्या ने कहा। जवाब में सुपर अर्जुन ने काम्या की इस बात पर हामी भर दी और उसको वहीं उसी पार्क का एड्रेस दे दिया जो कि डेविड जूल के घर के पास में ही मौजूद है, और फिर अर्जुन ने फोन कट कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद काम्या अपनी स्कूटी से वहां पहुंची जिस पार्क में अभी अर्जुन मौजूद है। हाँ बोलो काम्या, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, वो भी इस वर्ल्ड के अर्जुन को लेकर? और तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? अर्जुन ने काम्या से सवाल किया। अरे मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि अर्जुन, ऐसा कहते ही काम्या रुक जाती है। हाँ अर्जुन, आगे क्या? सुपर अर्जुन ने सवाल किया। ये कि मैं यहाँ के अपने अर्जुन को पसंद करती हूँ लेकिन अर्जुन मुझे पसंद नहीं करता, ऐसा कहते ही काम्या मायूस हो गई। अरे तुम मायूस मत हो काम्या, शायद तुम नहीं जानती कि अर्जुन भी तुम्हें उतना ही पसंद करता है जितना तुम उसे पसंद करती हो, बस अंतर इतना है कि वो तुमसे कुछ कह नहीं पाता कि वो तुमसे प्यार करता है, अर्जुन काम्या को समझाते हुए कहता है। अरे नहीं, ये सच नहीं है, अगर अर्जुन मुझसे प्यार करता होता तो मुझे कब का बता चुका होता, यूं मुझसे नफरत ना करता। मैं जब भी उससे मिलती हूँ वो मुझे अपनी गुस्से भरी निगाहों से देखता है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो मुझसे प्यार नहीं नफरत करता है। और तुम हो कि बस मुझे दिलासा दिए जा रहे हो, अर्जुन मुझसे प्यार करता है, अर्जुन मुझसे प्यार करता है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है, काम्या एक बार फिर मायूस मन से कहती है। हे भगवान, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि अर्जुन तुमसे बहुत प्यार करता है, बस ये समझ लो कि उसका मिजाज ही कुछ ऐसा है कि तुम्हें वो नफरत करता हुआ दिखाई देता है, या यूं समझ लो कि वो शो नहीं करता अपने प्यार को तुम्हारी तरह। अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं इसे प्रूफ करके दिखा सकता हूं, ऐसा कहते ही अर्जुन काम्या के कान में कुछ कहता है। जवाब में काम्या हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हां में अपना सिर हिलाती है और अगले ही पल अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ इस रियल वर्ल्ड में सुबह सुबह उठकर रणवीर अपने रूम में लगे शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। हे भगवान मेरी मदद करना, आज किसी भी हाल में मुझे अपने दिल की बात मेघा से बोलनी है, पता नहीं वो हाँ भी कहेगी भी या नहीं, आप संभाल लेना प्लीज, रणवीर मन ही मन भगवान को याद करते हुए कहता है। जहां एक और रणवीर लाइका को प्रपोज करने का प्लान बना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में मौजूद लाइका ऑफिस के लिए तैयार हो रही है।
लेकिन पिछले दिन की तरह आज भी उसका मूड उखड़ा उखड़ा है। सुपर अर्जुन तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके मेरी मजबूरी देखो, मैं चाहकर भी यहां से नहीं जा सकती। अब न जाने कब मेरी पावर मुझे मिल पाएगी और टीम हेड्रोमा न जाने किस हाल में होंगे, अपने मन ही मन लायका कहती है। अगले पल लायका अपने बाल बनाने के लिए शीशे के सामने आती है, लेकिन तभी वो चौंक उठती है और उसके हाथों से उसका कंघा नीचे गिर जाता है, क्योंकि सामने लगे शीशे पर उसका चेहरा मेघा के रूप में नहीं बल्कि लायका के रूप में दिख रहा है। ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं खुद ब खुद मेघा से लायका कैसे बन गई, अब मैं क्या करूं, परेशान लायका खुद से कहती है।